में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा लेकर आई हूँ अभी तक की कुछ ताजा तरीन खबरें। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। धामपुर पुलिस ने अपहृत युवती को किया बरामद। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर 2 लाख से अधिक की नकदी भी बरामद की। बकाया गन्ना भुगतान सहित कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जनपद भर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन। अफजलगढ़ के कुआखेड़ा खदरी क्षेत्र में पड़ा मिला सांबर हिरण का शव, वन विभाग जांच पड़ताल में जुटा। 2 दिनों की छुट्टी के बाद खुले बैंक। नगीना में बैंकों के बाहर देखने को मिली उपभोक्ताओं की भारी भीड़। धामपुर के मेन मार्केट में हॉटस्पॉट इलाके में खुली दुकानें, बल्लियों की बैरिकेडिंग पार कर हॉटस्पॉट में खरीदारी कर रहे लोग। यूपी सरकार में मंत्री पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान को दी गई अंतिम विदाई। अस्पताल में भर्ती मंत्री चेतन चौहान का इलाज के दौरान हुआ था निधन। कालागढ़ के इस्लाम नगर में कोरोना संक्रमित मिला युवक। 3 दिन पहले उत्तराखंड से घर लौटा था युवक। अभी तक में अब खबरें विस्तार से। धामपुर पुलिस ने नगर से अपहृत युवती को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि धामपुर में बीती 8 जुलाई से एक युवती अचानक लापता हो गई थी। लापता युवती के परिजनों ने नगर के ही एक गैर संप्रदाय के युवक पर युवती का अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही पुलिस युवक और युवती की तलाश में जुटी थी। युवती की बरामदगी न होने से नगर के हिंदू संगठनों में भी रोष व्याप्त था। बेटी बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को नगर का बाजार भी बंद कराया गया था। युवती के लापता होने के करीब 9 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जब पुलिस ने अपहृत युवती को सकुशल बरामद किया और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आरोपी युवक दानिश के पास से युवती का टूटा हुआ मोबाइल फोन और करीब 2,02,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। मामला गैर संप्रदाय से जुड़ा होने के चलते परिजनों के साथ साथ पुलिस भी काफी तनाव में थी। युवती की बरामदगी के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली। अपर पुलिस अधीक्षक ने युवती को बरामद करने वाली टीम को 5,000 का इनाम देने की भी घोषणा की है। खुलासे के दौरान धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी रंजन कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। धामपुर से केशव चौहान की रिपोर्ट। धामपुर से एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, क्या वर्कआउट किया है पुलिस ने? ये 8 अगस्त के दिन जो है यहाँ थाना धामपुर जो है इनका अखिलेश कुमार विश्नोई जी द्वारा अपनी पुत्री को एक व्यक्ति जो है दानिश पर बैठा फुसला कर घर से अपहरण करना कराए जाने का आरोप लगाती एफ आई आर दर्ज कराई गई थी, जिसकी जो है क्योंकि मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के कारण पुलिस द्वारा पहले दिन से ही लगातार इसमें जो है बेहद सतर्कता बरतते हुए गंभीरता से 5 टीमें बनाई गई और आसपास के कई राज्यों में पंजाब दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश लगातार हम लोगों द्वारा सर्च कराई गई। प्लास में इसके कई रिश्तेदारों को पूछताछ से बुलाया गया और लगातार थाने में वार्ता की गई, उससे कई चीज़ें निकल के हैं, जिसकी जानकारी आधार पर जो है आज जो है लड़की को और लड़की को दोनों को हमने सकुशल बरामद कर लिया है। इनके पास से जो है ये घर से अपने लेके गया था, करीब 2 लाख से ज़्यादा रुपये बरामद हुए हैं, मोबाइल बरामद हो गए हैं, कपड़े का बैग बरामद हो गया है और बड़ा आसान हम लोगों ने इस मामले को और मात्र 1 हफ्ते के अंदर हल कर दिया है। सर कहाँ से बरामद हुए हैं दोनों? ये जनपद बिजनौर का क्षेत्र है, शेरपुर अफजलगढ़ है। पुलिस से सूचना मिली थी कि ये लोग कहीं जाने की तलाश में थी, इनकी प्लानिंग लंबी थी कि हम लोग दूसरे राज्यों में निकल जाएंगे, बाहर नौकरी करेंगे ताकि पुलिस ढूंढ नहीं पाएगी। आज इसी सूचना पर जो है पुलिस द्वारा एक जगह छापेमारी की गई है अफजलगढ़ क्षेत्र में, वहाँ से ये दोनों लोग बरामद हुए हैं। बकाया गन्ना भुगतान सहित कई मांगों को लेकर जनपद भर में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किए। बिजनौर में अलग अलग इलाकों से भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने बिजनौर हल्दौर अफजलगढ़ सुहारा चांदपुर में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन के माध्यम से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान 14 दिनों के भीतर करने, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर
12,000 रूपए प्रतिवर्ष करने, कोविड 19 महामारी के दौरान बेवजह जनता का चालान कर उनका उत्पीड़न किए जाने के विरोध सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपे। साथ ही किसानों ने मांगे जल्द पूरी न होने पर संगठन के आह्वान पर रणनीति बनाकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट। आज प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो मिल से संबंधित थाने या कोतवाली हैं उन पे सब पे धरना प्रदर्शन करने का आह्वान हुआ है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर अफजलगढ़ कोतवाली पे धरना दिया। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। इसमें मुख्य जो मांगे हैं हमारी, वो 14 दिन में करने की पेमेंट ना हो करके वो पेमेंट हुई नहीं है और उसकी अभी निकट भविष्य में कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए हमारी इस मांग को लेकर बैठे कि हमारी 14 दिन में अगर पेमेंट नहीं हुई तो हमें ब्याज समेत ये पेमेंट जल्दी से जल्दी करी जाए। ये हाईकमान के द्वारा आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश का, हर शुगर मिल से संबंधित जो भी थाने आ रहे हैं उसके अंतर्गत वहाँ आंदोलन है हमारा। गन्ना भुगतान ब्याज सहित, क्योंकि शासन के आदेश है कि गन्ना का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाए और 14 दिन के अंदर भुगतान हो नहीं रहा, तो हमारी मांग है कि हमारा ब्याज सहित भुगतान उचित समय पर किया जाए। ये कोविड 19 चला, पुलिस चालान के नाम पर जनता का बहुत शोषण कर रही, आपको भी जानकारी होगी, इसके खिलाफ भी हमारी आवाज़ है कि सरकार इसमें संज्ञान ले। और किसानों के जो ट्यूबवेल कनेक्शन है सामान्य योजना वाले, वो भी समय पर सामान्य कनेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी मांग ये भी है, एक चौथी मांग है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो अध्यादेश आया सरकार की तरफ से, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। आपके मांग पूरी नहीं होती, आप क्या कर रहे हैं? ये आंदोलन है हमारा, हम अपने शासन को अपनी मांग भेजेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद अगर कोई हमारी सुनवाई नहीं होती हाईकमान जैसा आदेश करेगी हम उसके दिशा निर्देश के अनुसार अगला कार्यक्रम तय। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुनील प्रधान है, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन जनपद। अरे जन साहब, आपकी निवार के सामने ट्रैक्टर छीना हुआ खड़ा करना, और बात बाद में कर लेंगे, जितनी बात यो फैसला करके हमें बता दिया जाए। बाबा महेंद्र सिंह की कह, चौधरी नरेश की कह, चौधरी नरेश की कह, चौधरी राकेश की कह, चौधरी राकेश की कह। देखो ये बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर, ब्याज सहित भुगतान को लेकर आज हमारा यहाँ धरना है, राष्ट्रीय आह्वान पर है। और किसान विरोध में जो अधिनियम सरकार ला रही है, चाहे विद्युत संशोधन विधेयक हो, चाहे मंडी अधिनियम हो, जिस तरीके के कानून आ रहे उन्हें स्पष्ट करा जाए कि इससे किसान को बिंदुओं से क्या लाभ है। हमें लगता है कि इससे किसान, या जैसे मुक्त व्यापार समझौते सरकार कर रही है, ये किसान और भारत की कृषि के बिल्कुल वो है, ये कृषि नष्ट हो जाएगी, भारत का 60 करोड़ लोग तबाह हो जाएंगे, दूध ये जैसे समझौते कर रही है। मुद्दे क्या है आज का मुद्दा? ब्याज सहित गन्ना मूल्य भुगतान सरकार द्वारा जो अधिनियम है ये वापस लिए जाए। दूसरी बात है जो विद्युत कनेक्शन है नलकों के सामान्य, उनके सामान दिए जाए, और खरीद अधिनियम जो कैन कंट्रोल एक्ट है उसका पालन करा जाए, उसमें संशोधन करा जाए, जिससे ब्याज जो कैन एक्ट के तहत गन्ना युक्त उसका ब्याज माफ ना करे। जिस दिन ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन हमारा बकाया रुकना। अध्यक्ष जी, कितने तहसील, कितने जगह आपके धरने चल रहे हैं आज? आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ चीनी मिल से संबंधित थाने हैं राष्ट्रीय आह्वान पर, सभी जगह है पूरे उत्तर प्रदेश। कितना बकाया है? यह लगभग हमारे जनपद पर 1600 करोड़ रुपए बकाया है 9 चीनी मिलों पर। और किसान की हालात बहुत खराब है, नकदी का क्या हालात है, महामारी के टाइम में वो कितनी नकदी से जूझ रहा है। अगर आपके मांगे पूरी नहीं कर देंगे तो क्या करोगे? ये राष्ट्रीय निर्णय आह्वान पर जो मामला आया वही राष्ट्रीय जो निर्णय लेंगे वो उसी पर हम कायम हैं। आपका नाम? मेरा कुलदीप सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान बिजनौ। महेंद्र सिंह टिकट, चौधरी नरेश टिकट, चौधरी राकेश टिकट, जय जवान जय किसान जय किसान जय जवान। अरे भाई माइक ले लो, माइक माइक दे दो।
लेकिन उसकी सत्यता का जानना, सही जानकारी करना ये पुलिस का काम है। तो इस तरह की बात जो आपने लगाई है, चाहे वो गलत है, वो जो भी हुआ होगा, जब भी हुआ होगा, लेकिन आप किसी को कह रहे हैं शालीनता पूर्वक, तो जो जवाब देना है सही सही जवाब, ये नहीं धोखे वाला जवाब नहीं, सही सही जवाब समाज के सामने, किसान के सामने रखा जाए। और मैं किसान यूनियन के अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो इसकी सूचना है एक बार समय सबसे पहले, क्योंकि समस्या मिल से है, सबसे पहले इसकी सूचना आप वहां दे दिया करें मिल में। और अपना शांतिपूर्ण ढंग से मैं उनको बताता हूँ, वो अपना देंगे हिसाब। आज इनको पहली बार है, आइंदा बता दिया जाएगा कि टाइम से लेकर हिसाब आएंगे। जो अपनी डिमांड मंगाते हैं इसकी एक बार मील में जरूर दे दिया गया, कहते के साहब वो मालूम नहीं क्यों नहीं, टाइम से पहले बताएंगे। पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो शुगर मिल संबंधित थाने हैं उन पर भारतीय किसान यूनियन का धरना है। धरने के माध्यम से हमारा जो गन्ना भुगतान बकाया ब्याज सही दिलाने के लिए आज हम थाने बैठे हैं। हमारे बीच में मिल से भी हमारे बीच में जो चौहान साहब आए हुए हैं और आवारा पशुओं के लेकर है, तो BDO साहब यहाँ बैठे हैं। हमारी मांग है कि हमारा ब्याज सहित गन्ने का भुगतान दिलाया जाए। COVID-19 के चलते किसान आज हर तरीके से त्रस्त है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के खर्चों के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमें ब्याज सहित गन्ने का भुगतान दिलाया जाए। और आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए जो सरकार का आदेश है, हर ब्लॉक में गौशाला खोली जाए ताकि इन आवारा पशुओं से किसान की फसल और किसान को चोटिल होने से बचाया जा सके। किसानों की जो BDO से शिकायत है वो क्या बात मामला क्या है? BDO साहब से शिकायत ये है कि गवर्नमेंट के आदेश के बावजूद भी सिहारा क्षेत्र में गौशाला का निर्माण नहीं हुआ, जिस कारण यहाँ आवारा पशुओं का आतंक है। तो BDO साहब कुछ नहीं बुलाया गया है कि सफाई क्षेत्र में ध्यान दें, सफाई नहीं हो पा रही गांव में और हमारी गौशाला बनाई जाए। अभी तक में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात, चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे कमी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेलकूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल, रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर है अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। अफजलगढ़ क्षेत्र में सांभर हिरण का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सांभर का छतवृक्षा शव कुआखेड़ा के खदरी इलाके में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। डॉक्टर धीरेंद्र सिंह और रेंजर वीरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। सांभर हिरण की उम्र करीब 1.5 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने सांभर का सैंपल बरेली जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही सांभर की मौत के कारणों का पता लगाया जा सकता है। तुषार वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम वीरेंद्र सहरावत है, वीरेंद्र प्रसाद वाला। मामला यहाँ पर कल दूरभाष से सूचना मिली थी कि एक खेत में शेरगढ़ खदरी में सांभर मरा हुआ पड़ा है। मैं कल ही यहाँ पे आया, मौके पे मौका देखा और देखने के बाद जो है ऊपर वाले अधिकारी को निर्देश मतलब सूचना दी और आज इसका PM हो रहा। सर ये मादा है या? मादा। सर इसकी उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग 1.25 साल या 1.5 साल के बीच में। अच्छा, अभी कोई उम्र नहीं पुष्टि नहीं हो पाई, क्या मामला? ना अभी नहीं हो पाई। बिजनौर में अज्ञात चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। घटना से गुस्साए व्यापारियों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। घटना नगर के डाकखाना चौराहे के पास की है, जहां चोरों ने एक दुकान का शटर उखाड़ कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। आरोप है कि दुकान में चोरी की सूचना देने के बाद भी कई घंटों तक कोई पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद व्यापारियों ने खुद आबकारी चौकी पहुंचकर पुलिस को तहरीर सौंपी। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट।
मेरा नाम मुनीष त्यागी है, जिला महामंत्री हूँ व्यापार मंडल का मैं। ये जिस तरह से पुलिस की नाकामी हम लोगों के सामने आ रही है, आज व्यापारी भयभीत है। आज डॉक्टर ब्रजवीर के पास में चोरी हुई है और यहाँ डाकखाने पे चोरी हुई है पुलिस की नाक के नीचे। पुलिस का सिर्फ काम एक रह गया है कि हर चौराहे पे लूट मचाना, बीमारों के चालान काटना, सीनियर सिटीजनों के चालान काटना, और कोतवाल खड़ा होकर ये कहने का काम करता है कि मैंने 1050 चालान करने का काम किया है। और मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि इस तरह के घटिया कोतवाल को ऐसे सदर थाने से हटाना चाहिए फौरन। व्यापारियों में बहुत रोष है। पीछे कप्तान साहब ने मीटिंग बुलाई थी, हम लोगों ने 60,000 रुपया इकट्ठा करके दिया था हर चौराहों पर कैमरे लगवाने के लिए। ये इन कैमरे तक को चालू नहीं करा सकते, सारे कैमरे बंद पड़े हुए हैं। और यहाँ पुलिस सुबह 8 बजे से सारे व्यापारी फोन करने का काम कर रहे हैं। कोतवाल ने ये जहमत नहीं उठाई कि यहाँ आके देख के चला जाए। लगभग कितनी देर हो गई फोन किए हुए आपको? 8 बजे से फोन कर रहे हैं सारे। कोतवाल को कर लिया, एडिशनल SP को कर लिया, CO को कर लिया, कोई फोन नहीं उठाने को तैयार। चौकी का इंचार्ज नहीं उठा रहे, उसकी करोड़ में चोरी हुई है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की बाकी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।